277 रनों का ये जो इतना भारी भरकम रिकॉर्ड था ना भाई साहब, वो बस कल 5 रनों से टूटते टूटते बचा है। मगर उससे भी ऊपर कोलकाता के सुनील नारायण ने कल जिस तरीके से दिल्ली के सभी गेंदबाजों का इतने भयानक तरीके से जो डंडा किया, बाप रे बाप, 39 गेंदों पर 85 रन। और ऋषभ पंत के चेहरे पर भाई साहब जिस तरीके से हवाइयां उड़ी हुई थी ना, उनको देखकर तो मानो ऐसे ही लग रहा था कि ये अपनी कप्तानी पूरे तरीके से भूल चुके हैं। और वहीं कलकत्ता के सुनील नारायण ये तो भाई साहब यही बोल रहे थे कि तुम बॉल डालते जाओ और मैं छक्के चौके मारता जाऊंगा। ऋषभ पंत के द्वारा कल के मैच में जिस लेवल की घटिया कप्तानी करी गई है ना, मतलब क्या ही बोला जाए भाई साहब, एक नहीं बल्कि दो DRS के मौके ऋषभ पंत ने सीधे तौर पर गवा दिए। दिल्ली के जो बॉलर्स थे वो ऋषभ पंत के आगे तो मानो सर पटकते रह रहे थे कि अरे चिचा ले लो DRS, पक्का आउट है। मगर ये अपने उर्वशी रोटेला के छठे बॉयफ्रेंड ये भाई साहब कहां ही कन्विंस होने वाले थे। जितनी खराब कप्तानी ये अपने ऋषभ पंत ने कल करी ना भाई साहब, उतनी ही खराब फील्डिंग दिल्ली के फील्डर्स ने भी करी है। सबसे पहले तो डेविड वार्नर ने एक बिल्कुल ही उबले हुए आलू के जैसा बहुत ही ज्यादा सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद रही सही कसर अपने नौरखिया ने भी एक कैच ड्रॉप करके पूरी कर डाली। अब भले ही कलकत्ता के अंत आते आते 7 विकेट गिर चुके थे भाई साहब, मगर उससे पहले इन्होंने दिल्ली के बॉलर्स को पूरे तरीके से नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया था। सुनील नारायण ने तो बड़े बुरे तरीके से बंबू कर ही रखा था, मगर ये जो रघुवंशी है ना, इनको भाई साहब कल IPL में पहली बार बैटिंग करने का मौका मिला और इन्होंने भी 200 के स्ट्राइक रेट से 27 बॉलों पर 54 रन ठोक दिए। उसके बाद ये अपने रिंकू सिंह, जिनकी हाइट भले ही बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कल इनका भी स्ट्राइक रेट जो है ना वो 325 को पार कर रहा था और 8 गेंदों में भाई साहब इन्होंने भी 26 रन ठोक डाले थे। रघुवंशी के आउट होते ही आंड्रे रसेल क्रीज पर चले आते हैं और ये भाई साहब ये कहां ही शांत रहने वाले हैं। 19 बॉलों पर 41 रन, KKR का टोटल स्कोर 20 ओवर के बाद 272 रन पहुंच जाता है। वो मैंने कहा ना SRH का रिकॉर्ड कल बस 5 रनों से टूटते टूटते बचा है। बॉलीवुड का हल्का खान उर्फ शाहरुख खान ये मनहूस भी भाई साहब कल का मैच देखने पहुंचा हुआ था और इसके जो टमाटर है ना वो इसकी कुर्सी पर टिकी नहीं रहे थे। हर चौके छक्के के बाद ये खड़ा तालियां बजा रहा था, नाच रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोलकाता की टीम उस दिल्ली की टीम के सामने बैटिंग करने उतरी है जिसने अपने पिछले ही मैच में चेन्नई जैसी इतनी भारी भरकम टीम को हराया था। अब खैर जब कोलकाता की टीम ने इतनी ज्यादा तबाही मचा ही डाली थी तो जवाब देने उतरी दिल्ली की टीम का महज 21 रनों पर ही पृथ्वी शॉ के रूप में पहला विकेट गिर जाता है। 7 गेंदे खेलकर महज 10 रन ही बना पाते हैं और फिर उसके बाद मिचेल मार्श भी बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऋषभ पंत की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना वो किसी अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। मोटा मोटी अगर बोला जाए ना भाई साहब तो कल KKR वालों ने दिल्ली वालों की बड़े बुरे तरीके से पूंगी बजा कर रख दी थी और उनको 106 रनों की इतनी मैसिव हार थमा दी थी। अब वही ऋषभ पंत ने एक कप्तानी पारी खेलने की बहुत जबरदस्त कोशिश करी जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके भी मारे, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम की नैया को पार नहीं लगा पाए और 55 रन बनाकर ये अपने ऋषभ पंत भी आउट हो गए।